नमस्कार, केपीटीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के तहसील क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल पर लगाया पैसे लेने का आरोप। धामपुर तहसीलदार रमेश चंद चौहान को सौंपा शिकायती पत्र। आपको बताते चले, धामपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बाजितपुर थाना शेरकोट के ग्रामीणों ने धामपुर तहसीलदार रमेश चंद चौहान को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें पिछले दिनों हल्के पर तैनात लेखपाल सत्येंद्र पर लाखों रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव के बीच वसीकत की जमीन जो ग्राम समाज की है, लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पास 40 साल पुरानी रसीद है। जब हमने उस जमीन पर नींव बना शुरू किया तो हल्का लेखपाल ने उनसे पैसों की मांग की और दूसरे व्यक्तियों को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करा दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि धामपुर तहसीलदार रमेश चंद चौहान ने बताया कि ग्राम बाजितपुर के कुछ ग्रामीण आज शिकायत लेकर आए थे, जिसकी निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर से केपी सिंह की खास खबर। नाम है आपका? मेरा नाम हर्षरूप है जी। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम बाजितपुर थाना। आज जो धामपुर तहसील में शिकायत करने आए हो, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है साहब के हमारा गांव जो है पूरा ही ग्राम समाज में बसा हुआ है, और पूरा ग्राम समाज में बसने के बाद जो है हमारे चार आदमियों के खिलाफ ही पटवारी ने जो है नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी किया है मतलब जो है पहली जो है ग्राम समाज की जमीन है, जो हमारे पास रसीद भी है। दिखाई भाई रसीद कहाँ है? वो रसीद कटी हुई है, और रसीद कटने के बाद भी नोटिस जारी कर दिया है, और बाकी चार आदमियों का ही किया है, बाकी और किसी का नहीं किया है। पैसों वाला क्या मामला? नहीं, पैसों वाला ये मामला है कि उससे पहले 40,000 रुपए दिए हैं हमने उसे। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम है जो अब कौन है वहाँ हल्के पर? अब तो बलराज जी हैं शायद। बलकरण जी। अब क्या मांग कर रहे हैं? हम तो जो है अब तो यह है कि रिपीट तो करा उन्होंने कि दोबारा पैसे लाओ, तो हम कहाँ से लाए? हम तो गरीब आदमी हैं साहब, जाने कैसे कैसे लॉकडाउन के मारे हुए हैं। तहसीलदार साहब, एक मामला संज्ञान में आया, ग्राम बाजितपुर के कुछ लोग यहाँ शिकायत करने आए हैं ग्राम समाज की जमीन को लेकर, क्या कुछ कहना है आपका? इसकी हम जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है जाँच करा रहे हैं, और जांच कराने के बाद में जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार में फिर कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल पर पैसे लेने का भी आरोप लगा रहे हैं लोग, इसकी भी हम जांच करा रहे हैं, और अगर मान लेने इनके पक्ष में रिपोर्ट आई तो उनके पक्ष में किया जाएगा, और यदि इनके विरुद्ध आई, ये लोग अगर ग्राम स्वराज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो बहरहाल जांच के बाद ही पता चलेगा जो जांच रिपोर्ट आएगी।